नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। अगर आप भी प्राइमरी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। नई शिक्षा नीति के बाद अब नियम बदल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है। नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद प्राइमरी टीचर बनने के नियमों में काफी सारे बदलाव किए गए हैं। पहले प्राइमरी टीचर बनने के लिए 12वीं के बाद ग्रेजुएशन और फिर बीएड करना जरूरी था। बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन एक शिक्षक प्रशिक्षण डिग्री है। वैसे अब प्राइमरी टीचर बनने के लिए डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करना जरूरी है। डीएलएड 1-2 साल का डिप्लोमा कोर्स है जिसमें शिक्षण के बुनियादी सिद्धांतों और कौशल सिखाए जाते हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले और नई शिक्षा नीति के अनुसार अब प्राइमरी यानी कि पहली से 5वीं कक्षाओं के शिक्षक बनने के लिए बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री आवश्यक नहीं है। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति के अनुसार साल 2030 तक सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में आईटीईपी शुरू किया जाएगा। आईटीईपी एक 4 साल का एकीकृत कोर्स है जो शिक्षकों को प्रारंभिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक पढ़ाने के लिए तैयार करता है। ये बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सके और वे बच्चों को अधिक प्रभावी तरीके से पढ़ा सके। वैसे प्राइमरी टीचर बनने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम हो सकते हैं, इसलिए जिस राज्य में आप नौकरी करना चाहते हैं उसके शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाकर नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे कई राज्यों में प्राइमरी टीचर के पद के लिए अन्य योग्यताएं भी निर्धारित की जा सकती है, जैसे कि न्यूनतम आयु, शैक्षणिक योग्यता, बहुत सारी चीजें इसके अलावा भी। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको डीएलएड या आईटीईपी कोर्स करना होगा। शिक्षा नीति का लक्ष्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके लिए प्राइमरी स्तर पर विशेषज्ञ शिक्षकों की आवश्यकता है। वैसे डीएलएड और आईटीईपी कोर्स इसलिए बनाया गया है ताकि बच्चों के भविष्य पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। वैसे बता दें कि आईटीईपी प्रोग्राम 4 साल का है। इसमें एडमिशन 12वीं के बाद होगा। अभी तक अभ्यर्थी पहले 3 साल का ग्रेजुएशन करते थे, इसके बाद 2 साल का बीएड। इस तरह कुल 5 साल खर्च हो जाते थे, लेकिन अब 4 साल में ही बीएड के बराबर डिग्री मिल जाएगी। साथ ही आईटीईपी करने के बाद प्राइमरी टीचर बनने की योग्यता आप हासिल कर लेंगे। वैसे आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति क्या है, ये अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हैं। वैसे 1986 के बाद नई शिक्षा नीति को 2020 में केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान की। नई शिक्षा नीति के द्वारा मातृभाषा के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही रोजगार मुखी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। रोजगार मुखी शिक्षा से छात्रों में तकनीकी दक्षता का विकास होगा, जिससे शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत वे अपना रोजगार प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे आज का युग तकनीकी का युग है। सारे संसार में तेजी के साथ टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। नवीन शिक्षा पद्धति छात्रों को विभिन्न प्रकार की तकनीकी में दक्ष करने में सक्षम है। जहां तक नवीन शिक्षा पद्धति के सफल होने का प्रश्न है तो वो बहुत हद तक उसे लागू करने वाले प्रशासनिक एजेंसी के ऊपर भी निर्भर करता है। वैसे नवीन शिक्षा पद्धति को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षा एवं छात्र के अनुपात को भी कम करना होगा, तभी जाकर वे प्रभावी तरीके से शिक्षक छात्रों को शिक्षित कर सकेंगे। वैसे किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है प्रयत्न। ये सही दिशा में होना भी जरूरी है। ये जो सही दिशा है वो हमारी बुद्धि और विवेक तय करते हैं, जिसके लिए उन्हें हमारे अंतःकरण में संचित ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ये ज्ञान हमें शिक्षा के माध्यम से मिलता है। शिक्षा चाहे हमने अध्ययन करके पाई हो, किसी गुरु से ली हो, अपने रोजगार मर्रा के अनुभव से प्राप्त की हो, अपने आसपास होने वाली गतिविधियों के अवलोकन से या किसी अन्य स्रोत से ली हो, शिक्षा शिक्षा होता है। वैसे शिक्षा न केवल कार्यों को सही ढंग से करने का तरीका बताती है, बल्कि समाज में समुचित व्यवहार करना भी सिखाती है। अच्छा व्यवहार और आचरण हमारे अच्छे चरित्र का निर्माण करते हैं, जो जन्म जन्मांतरों में हमारे संस्कार के रूप में चलता है। इसी प्रकार शिक्षा ही हमें बुरे प्रलोभन से भी दूर रखती है और बुरी आदतों में लिप्त होने से बचाकर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी सही रास्ता दिखाती है। वैसे दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षा एक वरदान है जो हमारे समूचे जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण रखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य करती है। वैसे शिक्षा या विद्या एक ऐसा धन है जिसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही कोई छीन सकता है। ऐसा धन जिसका दान किया जाए तो घटने के बजाय वो और ज्यादा बढ़ता ही जाता है।
इसके पास होने पर हमारे दुनिया के हर हिस्से में सम्मान मिलता है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार।